नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कैसे पहचान सकते हैं आप नकली शहद को। शहद का सेवन हर दिन हर घर में किया जाता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि सही शहद का सेवन किया जाए। दरअसल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शहद की बिक्री बढ़ जाती है और मिलावटखोर मिलावटी शहद को बाजार में सप्लाई करते हैं। इस कंडीशन में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि नकली शहद कौन सा है और असली शहद कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि आप घर पर आसानी से कैसे नकली शहद और असली शहद के बारे में पता लगा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे आयुर्ज्ञान YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हम 2 से 3 वीडियोस को इस पर अपलोड करते हैं जिसमें काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया जाता है। तो एक बार इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे करें असली शहद की पहचान। पहला है, पानी के साथ मिलाकर टेस्ट करें। इस टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कांच के गिलास में पानी लेकर 1 चम्मच शहद ले और पतले तार के रूप में उसे पानी में डालिए। शुद्ध शहद पतले तार के रूप की तरह गिलास की सतह में बैठ जाएगा, जबकि मिलावटी शहद पानी में घुल जाएगा। दूसरा, मक्खी बताए कौन है शुद्ध शहद। शुद्ध शहद में मक्खी घिर कर फंसती नहीं है, बल्कि फड़फड़ा कर उड़ जाती है। मिलावटी शहद में मक्खी फंसकर रह जाएगी, काफी कोशिशों के बाद भी उड़ नहीं सकेगी। तीसरा पॉइंट, शीशे की प्लेट से शहद का टेस्ट। एक मामूली सी शीशे की प्लेट आपको बता सकती है कि आप शुद्ध शहद का सेवन कर रहे हैं या फिर मिलावटी। शीशे की प्लेट में शहद को टपकाने पर यदि उसकी आकृति सांप की कुंडली जैसी बन जाए तो शहद शुद्ध है, मिलावटी शहद प्लेट में गिरते ही फैल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ठंड में जम जाता है शुद्ध शहद। शुद्ध शहद सुगंधित होता है, ठंड में जम जाता है और गर्मी में पिघल जाता है, जबकि मिलावटी शहद हर समय एक जैसा ही रहता है। इसलिए अगर ठंड में आपका शहद जम नहीं रहा है तो समझ जाए कि ये मिलावटी है। फिफ्थ पॉइंट, सफेद कपड़े से मिलावटी शहद की पहचान करना। एक सफेद कपड़ा ले, उसमें उस कपड़े पर थोड़ी सी शहद डाले। शुद्ध शहद का कपड़ों पर दाग नहीं लगता है, जबकि मिलावटी शहद का कपड़ों पर दाग लग जाएगा। इसलिए अगर कपड़े पर दाग रह जाए तो समझ लीजिए कि शहद में मिलावट की गई है। सिक्स्थ पॉइंट, लकड़ी के टुकड़े से शहद का टेस्ट करना। लकड़ी के टुकड़े पर 1 बूंद शहद टपकाएं। इस शहद को माचिस की तिल्ली जलाकर दिखाएं। ऐसा करने पर अगर वह जलने लगे तो उसे असली शहद समझे, न जलने पर समझ जाए शहद में किसी किस्म की मिलावट की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आयुर्ज्ञान YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।